आज हो चुके हैं रेडी। ईयरफोन में तीन चीजों की बहुत जरूरत। पहला बैटरी, दूसरा क्या था, कंफर्ट, तीसरा आवाज। इन्हीं सब पे टेस्टिंग करेंगे, रेटिंग देंगे। लेट्स गो। ये सबसे बड़ी 2000 के नीचे वायरलेस ईयरफोन के बारे में। Realme, B-Tron, Rook, Wing, Aeroplane, सब कुछ भाई। कहाँ 10-15 हजार अब जा रहे हो, जब 2000 में काम हो रहा भाई, क्या जरूरत है यार। हम कोई जरूरत नहीं है भाई, 2000 वाले में सब कुछ आ रहा है भाई। नॉइस कैंसिलेशन, माइक, भाई 2000 के नीचे इतने सारे ईयरफोन आते हैं भाई, बाजार खोल सकते हैं यार। देखो मैं बताता हूँ, 40 हजार के ऊपर कितने ईयरफोन आते, एक ईयरबड्स आते हैं बस, और कुछ नहीं आता। 20 हजार के ऊपर कितने आते, दो तीन आते हैं। बट भाई जब पैसा कम है तब कॉम्पिटिशन भी ज्यादा, सब घुसे पड़े और सब तगड़े से तगड़े। ये 2000 के प्राइस के नीचे ना हर हफ्ते एक लॉन्च हो जाता है नया। बाकी सारी चीजें वेट कर सकती है भाई, हम गेम पहले खेलेंगे ना यार। लाइफ एक गेम है। नहीं, मैं नहीं मानता। इसमें कुछ कुछ मिसिंग लग रहा है, फोन नहीं है तो भाई ये चारों है। इसमें सबसे पहले हम ट्राई करें एयर जैम। जैम में मैं बचपन में ब्रेड पे इतना लगाता था कि मैं भाई ईयरफोन में भी जैम चाहिए था। 999 रुपए के नीचे की साइड पे यूएसबी सी है। एक्चुअली भाई दिखने में काफी प्रीमियम से लग रहे हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर ब्लूटूथ 5.2 और 250 mAh बैटरी टोटल केस के अंदर है। टोटल मिला के 20 घंटे तक चल जाते हैं। यूएसबी टाइप सी वाली फास्ट चार्जिंग भी है, और IPX5 स्वेट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है। बट 1000 रुपए में क्या आवाज दे रहा है भाई, वो भी तो देखनी पड़ेगी भाई। कान वान में तो ठीक लग रहा, थोड़ा सस्ता लग रहा है, काम चला लूंगा मैं भाई। निकालते कनेक्ट ब्लूटूथ 5.2। मतलब 500 रुपए के आ जाते हैं तार वाले, और जो बाकी 300 रुपए बचेंगे ना उसमें 100 रुपए की हवा लेना और 200 रुपए का जैम। इतने सस्ते में ना यार वायरलेस ईयरफोन किसी काम के नहीं। 1000 रुपए में ना आवाज आपको नहीं देखने के लिए मिल पाएगी। इससे बढ़िया एक्चुअल वायर वाले आते हैं ना, उसमें कम से कम आवाज तो ठीक ठाक आई। आप बादशाह गाना सुन रहे, आपको रानू मंडल की आवाज आई। एक्चुअली अपने दोस्तों को भाई काफी टैग वैग करता रहता हूँ मैं सोशल मीडिया पोस्ट में, बट उन्होंने बोला कि भाई ये टैग कितना कर रहे हो, ये टैग खरीद दो ना। व्हाट अ जोक भाई, कोई लाइट होगी यहाँ पे, साइड पे भी लाइटें हैं, यहाँ पे भी लाइटें हैं, यहाँ पे भी लाइट। ब्रांड को पता क्या लगता है, देखो जब तक आपके दिल के अंदर लाइटें ना जल पाए तब तक आप गेमर हो ही नहीं भाई। मजाक की बात नहीं है, लोगो उल्टी मर्सिडीज वाला ये भाई 1800 के आते हैं, और मतलब इनकी खास बात है कि लेटेंसी थोड़ी कम है, 45 मिलीसेकंड लेटेंसी है। गोली जो यहाँ पड़ेगी और जो कान में आएगी एकदम काफी क्लोज क्लोज कनेक्ट भी कर लेते हैं भाई। पता है कैसी फील आ रही है, मैं बता, खुले मैदान में दूर दूर स्पीकर पड़े हैं। गेमिंग के अंदर आपको ऐसा नहीं कि बेस्ट क्वालिटी ऑडियो, गेमिंग के अलग से जो ईयरफोन होता है एक तो तेज चले, कहां से लेफ्ट से कौन सी गोली, राइट से कौन सी रेनबो में देखे। दिवाली पे इसी को टांग लूंगा भाई, इसी की तो जरूरत थी मेरे को। ये हरी आंखे भाई, हरी आंखे, यहाँ पे भी लाइट जल रही है। वाओ, गाना बजने भी लगा भाई इसमें तो। अरे रुको भाई रुको, ईयरफोन बिल्कुल मजाक नहीं, थोड़ी नागिन वाइब्स दे रहे। मजे की बात दिखाता हूँ, ये पीट्रॉन वाले, ये जो जैम वाले थे, अरे इसमें भी सेम नागिन, ये करण अर्जुन है। बेचारे बिछड़ गए थे ना, मुझे पता था आएंगे। लिख के देता हूँ कोई नहीं आएगा। बट भाई होता क्या है कि देखो सब वही बन के आ रहे हैं, अपनी सेम फैक्ट्री में बन के निकल रहे हैं, दोनों पे ठप्पा बस अलग लग गया। अब हो सकता है आवाज अलग हो, स्पीकर अलग हो अंदर। इसमें 40 घंटे का टोटल प्लेबैक टाइम है। ब्लूटूथ 5.0, 10 मीटर तक वायरलेस कनेक्टिविटी है। इसमें ना पहनने में सही लग रहा है, बट इसमें स्पीकर अलग है, 13 mm का ड्राइवर है, और आवाज मतलब सही आ रही थी। 1500 रुपए के आते हैं। केसेस मतलब ठीक है, प्लास्टिक का है भाई। फाइनली ये वाला भी टेस्ट कर लेते हैं, विंग्स वाले, ये अलग लग रहे हैं दिखने में। इस वाले में भाई 40 घंटे की बैटरी है, लेटेंसी 50 मिलीसेकंड, ब्लूटूथ 5.3, जिन्होंने नहीं पता सही है भाई। इसमें ना हमने टेस्टिंग करी, कॉल क्वालिटी में तो बहुत ही बेकार है, आवाज वाज डिसेंट है। आप पूछोगे ये कौन सी ईयरफोन का डब्बा है, ये डब्बा नहीं है, ये ईयरफोन है। देखो पलट के देखो, यहाँ पे यूएसबी टाइप सी, ये पूरा पावर बैंक है भाई, पावर बैंक के अंदर ईयरफोन है। ओ भाई लाइट भी जल रही है, यही तो क्रिएटिविटी यार। क्या कनेक्शन है, एक कान में बज रहा है एक कान में बज ही नहीं रहा गाना। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं पूरी रात चार्ज कर रहा था तब भी लेफ्ट वाला ही चार्ज हुआ बस। क्या घटिया आवाज यार, 3000 रुपए के हैं भाई। देखो 3000 रुपए के लिए आपको पावर बैंक प्लस ईयरफोन चाहिए तो मत लो, अलग से ले लो यार, या फिर पावर बैंक छोड़ो ना यार, 3000 की ईयरफोन ही ले लो भाई, बढ़िया से समझ लो मेट्रो में। लोग पता बटुए की जगह इसको मार लेंगे और सुनने का वापस रख लेंगे।
नेक्स्ट हमारे चार कंटेंडर भाई, ये बस सच बोलने वाला था बट थोड़ा सा गलत निकल गया, ट्रू। वेल डन। सॉरी यार, मजाक नहीं बना रहा था कंपनी। इसमें भी आंखें बना रखी है, स्पाइडरमैन वाली कुछ फील आ रही है मेरे को। ईयरफोन लगा के चलाते हैं, क्या आवाज आ रही है? बट बस एक कान से। आंखें लेफ्ट वाली भी राइट वाली दोनों बहुत बढ़िया चमक रही है बट कान एक ही चल रहा है। अभी ये खोल लेंगे पीट्रॉन वाला। ये थोड़ा मेरे को चारकोल साबुन की याद दिला रहा। कोई बात नहीं, मैं अभी नहाने आने वाला तो माहौल नहीं सेट करेंगे। ओ भाई ये तो अलग है, पंखे इसके अंदर। ये मेरे कान के लिए बनाए थे। इसमें भी क्या आवाज आ रही है? बट बस एक कान से। उसमें लेफ्ट से आ रही थी, इसमें राइट से आ रही। देखो अगर आवाज चाहिए ना तो एक इसका पहनना पड़ेगा, एक इसका पहनना पड़ेगा। इसमें भी भाई लेटेंसी लो थी, 55 मिली सेकेंड। आवाज की क्वालिटी मतलब ठीक ठीक आ रही थी बट एक कान से आ रही थी। फिट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मेरे को लगा, विंग विंग वाले ना मेरे को बैठ नहीं पाते कान के अंदर। और जो एक्चुअल क्वालिटी वो मुझे एवरेज लगी। ये वाले हैं नॉइस के एयरबड्स प्लस, और काफी मतलब थोड़ा सिमिलर रहेंगे यार ये। मतलब देखे देखे से लग रहे हैं, ये जो एक्चुअल ईयरफोन में ये भी थोड़े थोड़े देखे देखे से लग रहे हैं। पकड़ने में थोड़े कंफर्टेबल से लग रहे हैं, एक बार कान में लगाएंगे तब पता चलेगा। गाना सुनते देखते भाई। तो आवाज मतलब लाउड काफी है, थोड़ा सा चर्पी चर्पी आवाज आती है, बेस वेस नहीं है ज्यादा क्योंकि 6 mm का ड्राइवर थोड़ा सा छोटा होता है। मिड डिसेंट है, हाइट भी डिसेंट है और कॉल क्वालिटी भी लाइक ठीक ठीक लगी मेरे को। सिंगल चार्ज पे 4 घंटे का प्लेबैक देता और टोटल 20 घंटे का प्लेबैक टाइम है, जो काफी तगड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास है बोट। इसमें भी मतलब थोड़ा सा देखा देखा सा लग रहा है बट यहाँ पे थोड़ा कट गया है बेचारा। काफी फ्लैट फ्लैट है बट काफी डिफरेंट सा डिजाइन है। 1800 रुपए के आते हैं वाले। इसमें कॉर्ड माइक देखने मिलते हैं और एक्चुअली कॉल क्वालिटी में हेल्प हुई थी उससे। IPX5 वाटर रेजिस्टेंट है, 24 घंटे इसकी बैटरी चल जाती है। आवाज इसकी मेरे को मतलब ठीक ठाक सी लगी यार, मतलब हाईज और मिड्स लाइक एवरेज से और बेस तो मतलब बहुत ही ज्यादा कम मेरे को फील हुआ। एक्सेप्टेबल गेमिंग वाले से तो लाइक बराबरी कर सकता है भाई। नेक्स्ट है हमारा पीट्रॉन बेस बड्स डू। ये इस लिस्ट पे सबसे ज्यादा सस्ती ईयरफोन। इसमें 32 आवर्स का प्लेबैक, ब्लूटूथ 5.1 10 मीटर तक चल जाएगा और 900 रुपए के हिसाब से कान में लगाने में कंफर्टेबल लग रहा है। बट आवाज सुनेंगे तब पता चलेगा ना भाई। सही यार, दिल धड़क गया भाई का। इसमें 13 mm का डायनेमिक ड्राइवर है, जो जिन्होंने नहीं पता भाई बड़ी बात है। 1.5 घंटे में पूरे चार्ज आते, ऑलमोस्ट सस्ते नहीं लग रहा है। बिल्ड बिल्ड भी भाई सही है। ये वाले 900 रुपए के लिए 100% रिकमेंड कर देगा भाई। कैप्टन अमेरिका भाई, हमको कैप्टन अमेरिका से ज्यादा प्यारा, हमने स्पेशल एडिशन मंगा लिया भाई। इसमें ये भी है, ये देखो भाई, इतने के लिए मोबाइल के बटन नहीं आ रहे आजकल भाई। ये है बोट एयरडोप्स 131। 13 mm का ड्राइवर है, 2 घंटे चार्ज करना पड़ता है, 3 घंटे चल जाता है पूरा। अगर केस वेस मिला के अगर आपको चलाना 15 घंटे का बैकअप आ जाता है। सही है भाई, भाई क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी भाई। सही है भाई क्वालिटी, मजा तो आ रहा है। बेस मतलब डिसेंट सा है बट हाईज और मिड्स काफी अच्छे और रिच साउंड करते हैं। कॉल क्वालिटी में थोड़ा सा मफल्ड साउंड करते हैं बट 1100 रुपए के हिसाब से भाई डेफिनेटली काफी तगड़ी है भाई। ये नेक्स्ट हमारे पास, इसका केस काफी छोटा सा प्यारा सा है बट इसको ईयरफोन को निकाल के देखते हैं। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है, क्या ही लग रहा है, कुछ कुछ तो अलग सा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता बट लाइक आवाज एक्चुअली सही है। 1300 रुपए के 24 घंटे का बैटरी बैकअप आता है बट इसमें एक दिक्कत मेरे को लगी कि मतलब है, ये मैं बंद बंद कर दिया केस, अभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, अभी से अभी बजे जा रहे हैं। देखो भाई ये जीन्स की छोटी वाली जेब में आ जाएगा। मेरे को बेस थोड़ा कम लगा बट लाइक हाईज मिड्स अच्छे हैं। हमारे पास आगे भाई नॉइज वाली भाई, ये वाले 1500 रुपए के और इसका मतलब बिल्ड विल्ड सही लग रहा है, मतलब ब्लैक कलर के हैं, लंबे लंबे भाई, थोड़ा बिल्ड भी अच्छे, नॉइज का लोगो लगा रखे। आवाज काफी तेज भी है, जो बेस है, जो मिड्स है, जो हाईज है, वो काफी क्लियर लगे, काफी क्रिस्प भी लगे। 1500 रुपए के हिसाब से भाई काफी अच्छी ईयरफोन है, आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग, इस वाले का थोड़ा सा गोल्ड डब्बा है और ऊपर से ट्रांसपेरेंट टाइप है, प्लास्टिक ही बट एक्चुअल पकड़ने में काफी हद तक प्रीमियम लगता है। और ये थोड़े से डिफरेंट है, मतलब ये इन ईयर वाले नहीं है, थोड़ा बार बार से लग जाते हैं। फिट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और ये मैंने नोटिस करा ओप्पो की सारी ईयरफोन्स में, जो मतलब फिटिंग विटिंग होते हैं वो मजेदार तो रहती है। क्या बहुत ही तेज है यार आवाज, एक तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतने छोटे साइज में इतनी तेज आवाज आई। उसका जो बेस है, जो क्लैरिटी है भाई, मेरे को काफी ज्यादा प्यारे लगे। 6 घंटे चलते हैं सिंगल चार्ज पे और पूरा ऐसे केसेस में लाओगे तो 24 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने मिल जाता है। इसमें 13.4 mm का ड्राइवर है, 80 ms इसका रिस्पॉन्स टाइम है। इसमें मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत बस ये लगी कि लाइक इसको लगा के अगर आप गाने सुन रहे हो तो सात वाला बंदा भी सुन रहा है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा साउंड लीक होती है। इस टाइप के जो ईयरफोन जिन लोगों को पसंद आते उनको डेफिनेटली मजेदार लगे। हमने इनको थोड़ा डिस्काउंट में हमको मिल गया 2000 के नीचे बट कभी 2000 के ऊपर भी आता, तो ऐसे बार पे खेले जा रहे हैं। ये हैं ओप्पो इनको बड्स 2। ये मतलब थोड़े से छोटे छोटे हैं और काफी एक डिफरेंट सी फील है बट कान में आ जाते हैं और बजा के देखते हैं भाई। भाई इनकी आवाज भी एक्चुअली काफी प्यारी है। 1800 रुपए के आते हैं, ये 24 घंटे चल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.2 है, एक्चुअली कनेक्ट काफी तेजी से हो जाते हैं और आवाज जो है उसमें बेस डेफिनेटली आपको फील होगा। आईज हल्के से मेरे को कम लगे बट एक काफी बैलेंस्ड अच्छी रिच साउंड आपको देखने मिलती है। और ओप्पो की फिटिंग अगर आपको सही बैठती है तो भाई डेफिनेटली एक काफी तगड़ा बाय हो सकता है। बस मेरे को एक चीज थोड़ी सी लगी, कॉल क्वालिटी में थोड़ा सा मसाला मिसिंग। कॉल क्वालिटी में भाई ये वाले थोड़े से बेटर।
ये है रियलमी के दो भाई, ये वाला थोड़ा पुराना वाला, ये वाला थोड़ा सा नया वाला, इसमें ऐसे ट्रांसपेरेंट कर दिया, बट इसकी फिटिंग सबसे पहले नए वाले ट्राई कर दिया। देखो ये वाला क्यूटी और ये वाला क्यूटीज, मजाक कर रहा हूँ, मजाक बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये वाला Q2 है और ये वाला Q2S है, और ये वाला थोड़ा नया निकला है, बट इसमें ज्यादा फीचर जो बहुत ज्यादा वेर्ड है, थोड़ा मेरे को रीलर वाइब्स आ रही है इससे, मैं मतलब रील व्हील बनाने के लिए रेडी हो गया हूँ। इसके अंदर 10 mm का ड्राइवर डाल रखा है भाई, डेफिनेटली भाई काफी चमकीले से, काफी डिफरेंट से रखते हैं। ब्लूटूथ 5.2 है और एक लौता ऐसा ईयरफोन है जो 2000 के नीचे आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करता है, जो बड़ी बात है भाई। गाना सुन के देखते हैं, मेरे कान में तो फिट नहीं बैठ रहा भाई सही से, और मतलब हल्के निकल जाते हैं। आवाज काफी अच्छी, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, गूगल का फास्ट पे है, लेटेंसी थोड़ी सी कम है, 88 ms की लेटेंसी है, IPX5 भी ऐड कर रखा है। और ये आ गए नए वाले ट्रांसपेरेंट के साथ भाई, दिखने में ये भी काफी सिमिलर है, पहनने में भी काफी सिमिलर है, ये भी ऐसा लगता है कि गिरने वाले हैं, बस इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, और ऐप का पूरा सपोर्ट है, तो इक्वलाइजर है, कुछ सेट करना है, सब सारी चीजें कर सकते हो। अगर रियलमी के किसी को लेना है तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा, पुराने वाले काफी अच्छा चॉइस हो सकता है, नए वाले भी सही है, मतलब ये डिस्काउंट में अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया। ये है भाई हमारा फाइनल, ये है 1300 रुपए के बोट एयरडोप्स 141, अंदर भाई थोड़ा डुअल टोन फिनिश दे रखी है, ईयरफोन छोटे छोटे हैं, केस काफी बड़ा सा लग रहा है एकदम, और बताओ केस मेरे को थोड़ा सा भारी भरकम बल्कि से लगा, बट आवाज बढ़िया है तो बाकी सारी चीज सॉर्टेड है। साउंड मेरे को थोड़ी सी हल्की कम बैलेंस लगी, बट जो बेस है, जो मिड्स है, जो हाईज है, मतलब अपने आप में भाई सारे सब छन कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगा था भाई 1300 रुपए में अच्छे ईयरफोन्स आ सकते, 42 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, मतलब एक बार चार्ज करो और एक और ईयरफोन अगर आप लगा के रखो 6 घंटे तक चल जाएंगे। कॉल क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी लगी। तो भाई अगर एकदम सीरियसली बताऊं भाई, अगर बेस्ट मैं बोलूंगा 2000 के प्राइस बैंड पे जस्ट अगर आपको लेना है तो ये वाला काफी अच्छा रहेगा। एकदम बजट वाले लेने हैं जो 1000 रुपए के अराउंड के, बोट के एयरडोप्स 131 और जो पीट्रॉन के बेस बड्स डू, ये दोनों मेरे को काफी ज्यादा तगड़े लगे। गेमिंग में एकदम सीरियसली बताऊं, दोनों में मतलब ऐसा कुछ आवाज वाज खास नहीं थी, पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम फास्ट था, तो इन दोनों में से आपको कंसिडर कर सकते हो। और फाइनली भाई अगर आपको 1500 के अराउंड ईयरफोन्स लेने, तो ये नॉइज वाले मेरे को इनकी फिट, इनका जो केस है काफी छोटा सा है और काफी लंबे से कंफर्टेबल से, मेरे को आवाज में बोट की आवाज किसी लाउड और हल्की सी मतलब ऐसे हाइज वाइज थोड़े बेटर लगे। वैसे ये दोनों है तो काफी क्लोज, बट ये वाला ऐसे 200 रुपए सस्ता है, तो हाँ भाई फाइनल हमारा वर्डिक्ट। चलो भाई, ओ यार ये ना मैंने रिकॉर्ड करने से पहले नहीं सोचा था यार। बैठ के उठाओ।